Welcome to our YouTube channel, though. So today we are going to tell about how to write a leave application by teacher to principal. शिक्षक द्वारा अपने प्रधानाचार्य को आप कैसे आवेदन लिखेंगे छुट्टी के लिए उसके बारे में आज हम आपको दोस्तों बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्टली दोस्तों आ जाएगा टू द प्रिंसिपल सर कॉमा स्कूल का नेम मेंशन होगा जहां भी आप एज अ टीचर आप हैं वहां पे पोस्टेड, जहां पे आप टीचिंग कर रहे हैं, जहां पढ़ा रहे हैं वहां के स्कूल का नेम मेंशन हो जाएगा. फिर आपके स्कूल का एड्रेस मेंशन हो जाएगा जहां पे भी स्कूल है. उसका दोस्तों डेट मेंशन करेंगे. उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट में दोस्तों आपको लिखना है लीव एप्लीकेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया लीव एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं बाय टीचर टू प्रिंसिपल. लीव एप्लीकेशन फॉर फीवर, फीवर के लिए, बुखार के लिए छुट्टी पत्र, छुट्टी बुखार के लिए छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है आपको. तो लीव एप्लीकेशन फॉर फीवर सब्जेक्ट में आ जाएगा. क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सर यहाँ पे आप डियर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों डियर सर या मैडम. एक्चुअली जब आप स्टूडेंट हैं और तब आप प्रिंसिपल को आप लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड यूज़ होता है, बट यहाँ पे आप डियर यूज़ कर सकते हैं. तो डियर सर या मैडम. उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई राजकुमार इज वॉकिंग. राजकुमार दोस्तों एज ए डमी यूज़ किया है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा. मैं कभी भी नेम, प्लेस, स्कूल नेम, सिटी नेम कुछ भी यूज़ करता हूँ एज ए डमी यूज़ करता हूँ. सो प्लीज़ इसे आप चेंज करिएगा जब भी एप्लीकेशन राइट करिएगा. तो आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई राजकुमार इज वॉकिंग एज अ मैथ्स टीचर इन योर स्कूल. सविनय निवेदन है कि मैं राजकुमार आपके स्कूल में गणित शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, मैथ टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है. आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज आई हैव फीवर सिंस लास्ट फ्यू डेज. मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है. आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज आई हैव फीवर सिंस लास्ट फ्यू डेज. उसका दोस्तों आ जाएगा नेक्स्ट पैरा कंसिडरिंग मेरे स्थिति को ध्यान में रखते हुए. कंसिडरिंग माई पोजिशन, मैं आपसे 22 मार्च से 27 मार्च तक मुझे अवकाश प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ. दोस्तों ये डेट मैंने डाला है एज ए डमी डाला है, इसे डेट को भी आप चेंज कर लीजिएगा जब भी एप्लीकेशन राइट करिएगा. सो प्लीज़ चेंज द एज पर यू रिक्वायर्ड, आपके जो रिक्वायर्ड डेट होगा वो डेट आप मैंसन करेंगे. तो आई रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी ए लीव फ्रॉम 22nd मार्च टू 27th मार्च. मेरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे 22 मार्च से 27 मार्च तक मुझे अवकाश प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ. कंसीडरिंग माय पोजीशन आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च टू 27th मार्च. आई होप यू विल प्लीज़ ग्रांट मी लीव. मुझे आशा है कि आप मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे तथा जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा. सो फॉर विच आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा. उसके दोस्तों आ जाएगा थैंक यू का मैसेज. थैंक यू लिखेंगे, आपको धन्यवाद. आफ्टर दैट आप नीचे लिखेंगे ग्रेटफुल, आपका आभारी. उसके बाद आपका राजकुमार जो मैंने नेम मेंशन किया था, ये नेम आप चेंज करिएगा. तो एज ए डमी मैं फिर से यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. राजकुमार नेम आ जाएगा. आप मैथ टीचर हैं, जो भी आपका जिस डिपार्टमेंट में आप टीचर हैं वो टीचर मैंने मैथ टीचर एज ए डमी यूज़ किया. फिर आपका मोबाइल नंबर मेंशन हो जाएगा. तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन बाय टीचर टू प्रिंसिपल, शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य को आवेदन.